आगामी लोकसभा चुनावों के परिणाम से तय हो सकता है बिहार का राजनीतिक भविष्य। दरअसल देश में लोकसभा चुनावों में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही है। वैसे अभी तक के राजनीतिक हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनावी मुकाबला भाजपा और नीतीश कुमार द्वारा संयोजित विपक्ष के बीच होगा। वहीं बात अगर भाजपा की करे तो पार्टी एक बार फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है। वैसे भी पिछले दो लोकसभा चुनावों में ऐसा देखा जा रहा है कि देश में मोदी लहर के आगे विपक्ष का हर हथियार फेल होता है। ऐसे में भले ही विपक्ष एक बार एकजुट होता नजर आए, भले ही कई राजनीतिक पार्टियां भाजपा का साथ छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन भाजपा को एक बार फिर अपने आइकॉन नरेंद्र मोदी पर काफी ज्यादा भरोसा है। देखें तो इस लोकसभा चुनाव में बिहार राजनीतिक केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इस चुनाव परिणाम का प्रभाव बिहार के राजनीतिक हालात पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ नीतीश कुमार के संरक्षण में विपक्ष भाजपा को मात देने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ भाजपा बिहार में गठबंधन को लेकर सेलेक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा को यह मालूम है कि केंद्र के चुनाव में पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ मोदी की लोकप्रियता का मिलेगा। ऐसे में पार्टी इस चुनाव में यह आजमाना चाहेगी कि उसके सहयोगी दलों से पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में कितना लाभ होगा, यानी कि भाजपा लोकसभा चुनाव के आड़ में विधानसभा चुनाव का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। वैसे बिहार में गठबंधन को लेकर भाजपा पर्दे के पीछे रहकर राजनीति करते हुए नजर आ रही है। देखें तो बीजेपी की पहली कोशिश यह नजर आ रही है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया जाए। हालांकि सबसे पहले आरसीपी सिंह ने जदयू का साथ छोड़ा और वह लगातार नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जदयू की जड़ें कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा भी आरसीपी सिंह पर कथित रूप से पैनी नजर बनाए हुए है और कहीं न कहीं पार्टी की यह कोशिश रहेगी कि आरसीपी सिंह की ताकत को लोकसभा चुनावों में आजमा ले, ताकि बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी इन पर दांव खेल सके। ऐसा कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को अगर बीजेपी में जगह बनानी है तो उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि वह कितना कुर्मी वोटर बीजेपी के पाले में ला सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार का आधार वोट कुर्मी कुशवाहा जातियां ही है। इनके 10-12% वोट जदयू के माने जाते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा दावा करते रहे हैं कि कुशवाहा वोटर उनके साथ है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के दौरान अगर भाजपा और कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठबंधन होता है तो भी भाजपा उसे विधानसभा चुनावों के आईने से देखेगी। देखें तो लोजपा के दोनों घटकों के नेता पशुपति पारस और चिराग पासवान को भी भाजपा आज माना चाहेगी कि वे दलित वोटरों को कितना खींच पाते हैं। यानी कि ऐसा नजर आ रहा है कि भाजपा लोकसभा चुनावों से ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में लवकुश समीकरण को तोड़ने के लिए ही बीजेपी ने कुशवाहा बिरादरी के सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भाजपा कहीं न कहीं लोकसभा चुनावों में यह भी देख सकती है उनका यह दांव कितना कारगर साबित होता है। दूसरी बात महागठबंधन की करें तो लोकसभा चुनाव से कहीं न कहीं इस पर भी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी एकता के सूत्र धारक बने नजर आ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर विपक्ष का यह जादू जनता पर चल गया तो नीतीश कुमार के लिए दिल्ली के रास्ते खुल जाएंगे, जिसका असर यह होगा कि तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने की राह आसान हो जाएगी। लेकिन अगर चुनाव परिणाम महागठबंधन के विपरीत गया तो फिर विधानसभा चुनावों के दौरान यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि महागठबंधन किसे मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगा, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। यानी कि देश में होने वाले लोकसभा चुनावों का असर बिहार विधानसभा चुनावों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इस रेस में कौन सी पार्टी या गठबंधन आगे निकलता है।